नाजरीन, इस वक्त हरिपुर प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करने के लिए ताजर खिदमत ग्रुप के ओहदेदारान हरिपुर प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए हैं, जो इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब तो पहले मैं अपनी तरफों अपने ताजर खिदमत ग्रुप की तरफों अपने और भी ताजर ब्रादरी की तरफों प्रेस क्लब के मौजूदा नवी जी काबीना बनी लोग लिखते ने अबूरी मैं असं आखने असं अबूरी लफज ना इस्तेमाल कर लगे असिया दुआव ने अल्लाह करे तुम मुस्तकिल इस अहदे अपने कायम रहो सड़िया दुआव नाल ने असा बड़ी खुशी हुई है क्योंकि तुम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हो पता कि एक बंदा दो त्रे त्रे जाइए तो नुमाइंदगी करता है तो मेरे ख्याल मजा भी नहीं करता तुसी लोग अलहमदुल्ला एक शहर बैठे दो एक मुकाम है तुसा दा और इस प्रेस क्लब असि बड़ी खिदमत है अज प्रेस क्लब जिस मुकाम पर है वे इस सारे तुसा किसी एक ही बंदे का क्रैडिट नहीं तुसा सारे दी कोशिशां नाल एक दूसरे नाल धारण नाल बाकी मैं एक गल इत्थे कर सा कि प्रेस क्लब का ताला लगना मैं समझना कि हरिपुर के अवाम के मोह ताला लगने की गल तुसी लोग हरिपुर की आवाज़ हरिपुर वास्ते जिहड़ी गल मीडिया से बोलने की है वे सुनने की है वे वो साढ़े को एक प्रॉपर फोरम प्रेस क्लब हरिपुर है और मैं तुसा खराज तसीम पेश कर सा वह जिस तरह भी रहा असल में इस गल कोई इंट्रस्ट नहीं कि कड़ा बंदा मायती है कड़ा मुखालफ है लेकिन तुसी एक जमहूरी तरीके आए हो तुसी मुबारकबाद के मुस्तहक हो तुसाने सोच समझ के एक अच्छा फैसला किया है और जितने ग्रुप तुसी इत्थे आए हो मैं नज़र मारने असं भी देखते रहने माशाल्लाह सारे का एक वजन है तुसा की अपनी एक शनाख्त पहचान है मुकम्मल एक अल्लाह की जात है खामियां खूबियां असा च भी आए हैं तुसा च भी आए हैं लेकिन मैं समझना कि शहर के काज वास्ते सारे वहां एक आवाज होकर बोलना चाहिए बाकी जिथे तक शहर के मसायल का तलुक है असी ताजुरबाद हरिपुर के शहरी पहले वहां क्योंकि जिस रस्ते तो हम असी गुजर के आए हैं इतों असी एक आम शहरी के हिसाब में गुजर के आए हैं बदकिस्मती ना डखाना रोड की असी एक मिसाल देव लोगों की करोड़ों रुपये की जायदाद डिमालिश हुई ने तजावजात के नाए पर ऑपरेशन होया लेकिन अज वो ही डखाना रोड तजावजात की बिल्कुल ज्यादा है और असी इस फोरम तो इंतजामिया अगे गुजारिश कर सा कि शहर के मिसाइल असी लोग फेस करने तुसी लोग फेस करते हो क्यों असी सारा कुछ हो गए असी एक शहर के लोग हाँ इंतजामिया सारी अपने आपस बैठिया ने उन्होंने ना कोई तकलीफ है तो ना कोई मसला है अजकल एक बड़ा मसला मंगने वाले का सारे ने साउंड सिस्टम लाए ने रंग बिरंगी आवाजा असी झाड़ी सुनने और एक तो असी लोग पहले जहनी असीयत का शिकार और दूसरा ताजरों के खिलाफ कोई एक्शन होता है इंतजामिया फौरन पहुंची होती है ये असा दसा जो ले कि यह किसकी जिम्मेदारी है शहर अमन अमान तजावजात का खात्मा शोर शराबा ये भी तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है असं यह ना आखते कि दुकानदार सारे पाक साहब ने कोई गलत तो सुन साढ़े भी आए हैं लेकिन ना असं किसी की गलत आदमी की हिमायत करने ना कुछ सिफारिश करने असं आखने जी सारे शहर वास्ते एक फार्मूला हो और उस कोई साफी आंदा कोई ताजर आंदा कोई सियासी आंदा कोई मजहबी बंदा आंदा बला तफरीक सारे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लिहाजा ये गल इत करने का मकसद ये है कि यह साढ़े को एक फोरम है जिथे मैं उस और शहर के पूरे जिले के लोग तुसा को पहले आते इतने अपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मसले मसाए ये दरम्यान ये सारा सिलसिला रुक गया हूँ तुसा ने एक कोशिश की साड़ी दुआ वे अल्लाह ताला तुसा अज भी मजीद कामयाबियां दो अल्लाह तुसा सारे आपस में प्यार मोहब्बत दो ये शहर असा लोगों का असा इतने रहना है बाकी इंतजामिया के लोग अज है ने कल नहीं शहर के अमन अमान का मसला हो शहर की बेहतरी का कोई मसला हो असी सारे इंशाल्लाह ताजो भी तुसा बाजू का बाजू कर सी इंशाल्लाह।
इसी उम्मीद न कि तुसी लोग जिस तरह लोगों दी तवक्कात ने इंशाल्लाह तुसी उस तरह चल सो असी भी तुसां साथ दे सां। इस तो बाद मैं तुसां दा आपकी तरफों तमाम हरिपुर दे ताजपुरा दी तरफों तुसां दा मैं शुक्रिया भी अदा कर सां। तुसां ने साथ जो दित्ती है बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। सब तो पहले मैं प्रेस क्लब दी मौजूदा टीम ने कामयाब हो के आई अपनी तरफों सदर साहब की तरफों अपनी सारी कबीना की तरफों मैं मुबारकबाद पेश करना और इस चीज़ का मैं भरपूर फायदा उठा देंगे कि आज असी बड़ी अरसा बाद प्रेस क्लब हाजिर हुए। मैं याद है कि असी तकरीबन 2 साल पहले इतने आए हैं, असा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तो बाद असा मौका ही नहीं मिला। कोई गल भी होती है किसी साफी प्रभुआ पकड़ने खबर चा दी गल से इस तरह मसायल आ जाते हैं, मसायल हल करने का जो फॉर्म है वो प्रेस क्लब है। ठीक, मां पूरा पूरा इंशाल्लाह इस चीज़ की उम्मीद है कि असने जो प्रेस क्लब प्रेजिडेंट जनरल सैकटरी ये बड़े एक अच्छे और जीरक इंसान है, इन्हों की काफशन की वजह तो इन्होंने जोड़े असम लोगों के मसाइल ने यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इंशाल्लाह मीडिया के जरिए अपनी अखबार के जरिए असा मसाइल उजागर कर सकते और ऐसे ऐसे मसले उठास हों कि जेडे इस तो पहले रिपोर्ट की तारीख है मां मेरे किसी ने उठाए और ये साड़ी तंजीम जी असा इस वक्त नहायत ही खुशी है और मैं एक दफा फिर तुसा ये गल सदर साहब से जो दोहराइए कि जी जायदाद आप डहाने रोड है जी इस जायदाद तोड़िया गई तोड़ने का मकसद ये है कि ये जी तजावजात है सड़क तंग है ये भी वो है असी रस्ता खुला करते हैं और रस्ता खुला तो हो गया उस वक्त लेकिन उस तो बाद उसकी डबल तजायदा दोवें पास उस पास ही जिस पास तोड़ी गई है उस पास भी और दूसरे पास मैं अनीप भाई हाँ एक गल याद करा सा अनीप भाई इसी डखाने रोड के स्टार्ट के पुल बने गए जी जी पुल के नाल एक गढ़ है जो पुल का हिस्सा है उत्थे असा ने बड़े बड़े अपने दौर के इंतजामिया के लोग भी आते रस्ते लोग भी खड़े थे निशानदेही की इसमें बनाया जाए ताकि वो जिस तरह बन गया मां मेह दे कि इंशाल्लाह रस्ता जोड़ा पूरा हो गया तो तुम इस मसले उठाओ वो पुल बन जाए सही तरीके से फुल जितना वो है रोड के मुताबिक वो जिस दिन कंप्लीट हो गया तो तजावजात तकरीबन 50% कट गए वो पुल ना बढ़ने की वजह तो जी तजावजात ज्यादा है क्योंकि रस्ता जब गुजर रहे बंद स्टार्ट अगले आमा बन जाता है। बाकी मैं दफा फिर तुम शुक्रिया अदा कर सक और मुबारकबाद दे सक और अल्लाह ताला तुसां टाइम नूं ध्यान रखे और अल्लाह ताला तुसां बहुत की कामयाबी अता असां दा ताजर खिदमत ग्रुप दा जिहड़ा ताउन इंशाल्लाह पहले दी तरह भरपूर इंशाल्लाह। हाँ जी अब्दुल हमीद सर जितने भी यूनियन के जर्नलिस्ट हैं मेरी तरफ और मेरे सदर साहब और चेयरमैन और बासन साहब और जितने भी असी नुमाइंदा ATA दे नाल साडा ताल्लुक रहे मुबारकबाद पेश करना और बड़ी खुशी हुई इंशाल्लाह असी चाहसा कि आखिर साहित्य तरीकाकार आगे चले जाए बाजार लोहारा दे लंडन मार्केट था इतनी रश है कि बेताशा बार समान फैले दे और उसका कोई कंट्रोल किया जाए असी इंतजामिया अगे भी आखने चीज तजावज का इतनी भरमार जिसकी हर कोई इन्हीं अल्फाज नाल मैं तमाम अपने जितने भी मैंबर मैंबरान ने यूनियन दे हाफिज साहब ने माशाल्लाह पहले भी अलीब साहब साढ़े बरखुरदार ने और असी चाहने कि अल्लाह ताला तुसां तरक्की देवे और इसी नाल मैं सदर साहब बैठे दिन सारी काबीना हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था अच्छा हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था लेकिन दो आंखों से फिर भी कितना देखा जा सकता इसी नाल में।